हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिकटॉक के साथ साथ 59 ऐप्स को भी बैन कर दिया है। लेकिन टिकटॉक बैन होने के बाद ये एप्लीकेशन और ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। और यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में आप लोगों को बताया था इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक से 79 क्वेश्चन पूछे हैं, और यदि इस क्वेश्चन के जवाब दे देता है तो ये एप्लीकेशन फिर से हमारे इंडिया में वापस आ सकता है। लेकिन इसी बीच टिकटॉक के लिए एक बहुत बुरी खबर है, जिसमें टिकटॉक को यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की जुर्माना लग गया है। तो क्या है इसकी सच्चाई, इसके बारे में जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल को पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडिया में टिकटॉक इससे पहले भी बैन हुआ था, लेकिन फिर से उसे अनबैन कर दिया गया। लेकिन उस समय जब बैन हुआ था तो कुछ गलत कंटेंट को प्रमोट कर रहे थे टिकटॉक, इसीलिए वहाँ पे बैन किया गया था। तो टिकटॉक ने फैसला किया, 16 मिलियन वीडियो को डिलीट कर दिया था अपने प्लेटफॉर्म से, और इसके बाद गलत कंटेंट को प्रमोट करना बंद कर दिया था। फिर से वो टिकटॉक वापस आ गया इंडिया में। इसके बाद फिर से टिकटॉक इंडिया में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इंडिया के जितने भी टिकटॉकर हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक से 79 क्वेश्चन पूछे गए थे और बताए गए थे यदि 22 जुलाई तक इस क्वेश्चन के जवाब देते हैं तो ये एप्लीकेशन फिर से अनबैन हो सकता है इंडिया में। लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ की जुर्माना लग चुके हैं टिकटॉक की तरफ। क्यों लगा, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी दे देते हैं। जैसा कि आपको पता है, टिकटॉक जो फिलहाल में इंडिया में जो बैन किया गया है, पहले तो था जो गलत कंटेंट को प्रमोट कर रहा था इसलिए बैन किया गया था। लेकिन अब जो है, जो टिकटॉक यूजर है उसका डॉक्यूमेंट को मिस यूज किया जा रहा था, इसलिए पूरी तरह से इंडिया में टिकटॉक को बैन कर दिया गया है। और साथ साथ में US और अमेरिका में भी इसके फैसला लिया जा रहा है बैन किया जाए या फिर। यहाँ पे फिर से एक बड़ी खबर निकल के आया है साउथ कोरिया की तरफ से। कोरिया ने टिकटॉक पे 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। और क्यों लगाया है, साउथ कोरिया के कहना है ये जो एप्लीकेशन है टिकटॉक, ये डाटा कलेक्ट करता है और अन्य देशों में डाटा को भेजता है, और वो भी 14 साल के नीचे के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने अकाउंट बना रखे हैं टिकटॉक पे, उनका डाटा काफ़ी ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है। तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से टिकटॉक को 1 करोड़ की जुर्माना लग चुका है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप क्या टिकटॉक इंडिया में फिर से वापस आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है? अब टिकटॉक को इंडिया में फिर से अनबैन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की सामना करना पड़ सकता है। तो यही एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से टिकटॉक को 1 करोड़ की जुर्माना देना पड़ा है। और 22 जुलाई को देखते हैं क्या होता है, यदि 79 क्वेश्चन के जवाब दे भी देता है तो क्या टिकटॉक इंडिया में वापस आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। तो आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप लोग क्या चाहते हैं, इंडिया में टिकटॉक फिर से आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।